दोस्तों बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के बाद उनको डिजायर रिजल्ट नहीं आते है। इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे ये गारंटी है कि आपकी बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होगी कि बिलीविंग मैजिक विल हैपन, द यूनिवर्स विल स्टार्ट टू रीअरेंज इटसेल्फ टू मेक इट हैपन फॉर यू। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं खुद की एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और द सीक्रेट को जान के, उसको अच्छे तरीके से समझ के, उसको अप्लाई करके मैंने ये मैनिफेस्टेशन हासिल किया था। बहुत सारे लोगों को द सीक्रेट के बारे में पता होगा। अगर आपको द सीक्रेट के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में द सीक्रेट क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। द सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और उसका एक बुक भी है, वो 2006 में रिलीज हुआ था और उनके ऑथर है रोंडा बर्न जो कि ऑस्ट्रेलियन है। द सीक्रेट बेस है एक यूनिवर्सल लॉ के ऊपर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टेशन स्टोरी जाननी है और मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं द सीक्रेट को यूज करके, ये सभी चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। द सीक्रेट के बारे में मुझे 2012 में पता चला। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सीक्रेट का वीडियो सेंड किया और उसके बाद में मैंने 3 से 4 बार रिपीट द सीक्रेट देखा। काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा क्योंकि द सीक्रेट में बोला गया है कि जो आप चाहते हो, जो आपके मन में विचार है वो आप पा सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि कोई भी आपको बोले कि थॉट के माध्यम से आप आपके लाइफ में कोई भी चीज आकर्षित कर सकते हो, कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसके बाद में मैंने कोई छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू की, पर शुरू में मुझे रिजल्ट नहीं आए तो मैंने गिव अप कर दिया। बोला कि यार ये द सीक्रेट वगैरह अपनी बस की बात नहीं है। तो उसके बाद में 2014-15 में मैंने फिर से ये द सीक्रेट के ऊपर रिसर्च चालू किया। तो उससे पहले 2012 में मैं संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस भी देखता था, उनके बहुत सारे सेमिनार जैसे कि लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, और उस वीडियो के माध्यम से मुझे अंदर से बहुत इंस्पायरेशन मिलता था। संदीप माहेश्वरी सर सबको पता है क्योंकि वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उनकी जो बातें हैं वो सभी जानते हैं। तो ये बात ऐसी हुई कि 2014-15 में जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया द सीक्रेट के ऊपर, तो मेरे मन में काफ़ी बार ये सवाल आता था कि यार मैं YouTube पे संदीप माहेश्वर सर को देखता हूँ, उनकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ, काश मुझे उनके लाइव सेमिनार अटेंड करने का चांस, अपॉर्चुनिटी मिले। आपको पता है कि संदीप माहेश्वरी सर पहले काफी बड़े पैमाने पे वो लाइव सेमिनार्स, वो लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करते थे। जैसे मैंने पहले बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने काफी सारी रिसर्च की थी 2014 में, तो मैंने मन ही मन बोला कि चलो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। तो मेरी विश थी, मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि संदीप माहेश्वरी सर के लाइव वर्कशॉप में जाना है। ओके, ये थी पहली मैनिफेस्टेशन। तो मैंने उस चीज को फील करना, विजुलाइज करना शुरू किया क्योंकि वो मेरी बर्निंग डिजायर थी। क्योंकि 2012 से लेकर 2014 तक मैं संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो बहुत देखता था और अभी भी मैं कुछ वीडियो संदीप माहेश्वरी सर के देखता हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया, विजुलाइज करना स्टार्ट किया कि मैं संदीप माहेश्वरी सर के लाइव सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। और 2015 में संदीप माहेश्वरी सर के इंडिया टूर स्टार्ट हो गई, तो उसके बारे में मुझे कुछ स्केड्यूल, उनका टाइम टेबल नहीं पता था। तो मैंने ये एक थॉट पुट किया, चलो अभी एक स्टेप में आगे आया हूँ क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर ने लाइव सेमिनार स्टार्ट किए हैं डिफरेंट सिटीज में। तो मैंने ये थॉट पुट किया, मेरे होम टाउन से नज़दीक जो भी सिटी है वो सिटी थी पुणे। तो पुणे जब भी पुणे में संदीप माहेश्वरी सर आएंगे तब मैं उनके लाइव सेमिनार को अटेंड करूंगा। और उसके कुछ ही दिन बाद, 4-5 दिन बाद, मुझे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया उनके पेज का और वेन्यू था पुणे, संदीप माहेश्वरी इज कमिंग टू पुणे, बूम। तो ये था पहला साइन। मैंने, मेरी बर्निंग डिजायर थी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पुट किया था
मेरे थॉट को यूनिवर्स को पुट किया था, और उसके बाद था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनके सर्वर काफ़ी बिजी थे, क्योंकि हेवी ट्रैफिक थी साइट पे, और 45 मिनट्स विद इन 30 to 45 मिनट्स पूरा रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था। पर मुझे उसके टिकट्स मिल गए, मैं, मेरे दो दोस्त, मेरे भाई और मेरे मामा जी, ऐसे 4 से 5 लोगों के टिकट हमने बुक किए। आप स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि यार ये बंदा मैनिफेस्टेशन स्टोरी हमको बता रहा है, पर ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी काफ़ी नॉर्मल है, पर मेरे लिए वो स्टोरी बहुत दिल के करीब थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था। रजिस्ट्रेशन हो गया, टिकट भी आ गए, इवेंट का डेट था 9th October 2015। अभी मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन अचीव हुआ था लाइव सेमिनार करने का। सेकंड मैनिफेस्टेशन मैंने ये रखा, मुझे संदीप माहेश्वरी के वीडियो में कुछ सेकंड के लिए आना है, क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जबकि हमारे ऊपर कैमरा आए और हम खुद संदीप माहेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पर आए। दिस मैनिफेस्टेशन इज़ रियली चाइल्डिश, बट ये मुझे करना था। तो 9th अक्टूबर 2015 को हम पुणे गए, मैं, मेरे दो दोस्त, मेरे भाई पुणे गए, और मामा जी मेरे पुणे के ही थे, वो पुणे से उधर आ गए। बढ़िया क्राउड थी, लाइक 10 to 12,000 इतनी क्राउड थी, और उस क्राउड में हमें मिडिल की सीट मिली। जब संदीप माहेश्वरी सर आए, 10 मिनट तक पूरी क्राउड एनर्जी के साथ चिल्ला रही थी। वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि वो एनर्जी काफी बढ़िया थी, और वही एनर्जी मैं फील करना चाहता था। बैठे हुए थे, मैं, मेरा दोस्त मेरे साथ में था, और हम पूरे फोकस के साथ संदीप माहेश्वरी सर की जो टॉपिक है, करेज फॉर स्टूडेंट, वो टॉपिक थी सेमिनार की, वो सुन रहे थे। अचानक उनके कैमरामैन आए और एक झलक, एक शूट लेके गए हमारे रो का। तो आपको बता दूं कि टोटल जो सेमिनार था वो 2 घंटे के लिए हुआ था, और यूट्यूब पे ओनली 45 मिनट्स, और आपको बता दूं कि वो डिजायर अचीव हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो फुटेज कुछ सेकंड की जो मेरे मैनिफेस्टेशन का चेंज नहीं होने वाली, पर आप लोगों के आगे अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, अभी जैसी आदत बना लोगे वैसी बनती चली जाएगी। मेरी डिजायर अचीव हो गई, मेरी मैनिफेस्टेशन अचीव हो गई। मैं संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में आना चाहता था, और वो आ गया। दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने का एक ही मकसद है, और वो चीज जो हम पूरी बर्निंग डिजायर से, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत छोटी मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, यू नो द कोट, द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद द सिंगल स्टेप। अगर आपको कोई भी बड़ा मैनिफेस्टेशन करना है, फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन द स्मॉल मैनिफेस्टेशन। लाइक मैंने किया, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन मेरा अचीव हुआ लाइव सेमिनार में जाना। सेकेंड मैनिफेस्टेशन था वीडियो में आना, वो भी अचीव हुआ। और काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन है जो मैं आगे आपको, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मैनिफेस्टेशन काफ़ी सिंपल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दोस्तों, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के बाद उनको डिजायर रिजल्ट नहीं आते है, और बाद में वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ फेक। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स साइंस, हाउ इट वर्क्स, what is mean by vibration, what is mean by energy, what is mean by frequency, क्योंकि एक ये science है। जैसे gravitation rule है, जब भी हम कोई भी चीज़ like ball हम ऊपर फेंकते हैं, वो ball नीचे आती है, तो वैसे ही law of attraction है। law of attraction होता है, और वो सबके साथ होता है, पर हमें उसको बारीकी से देखना चाहिए। मुझे पता है कि ये स्टोरी, मैनिफेस्टेशन स्टोरी बहुत ही सिंपल है। इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे ये गारंटी है कि आपकी बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपका विश्वास, आपका फेथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होगा।
अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उसको जानेंगे, उसके साइंस के बारे में जानेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क होता है वो जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का हमारे चैनल के माध्यम से आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप बिलीविंग मैजिक विल हैपन।